नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीत रही होगी, क्योंकि इस बार तो 31 को भी कुछ लोग दिवाली मना रहे हैं, कुछ लोग 1 को दिवाली मना रहे हैं, तो विवाद नहीं ज़्यादा अच्छी बात है। 10 दिन दिवाली हो यार, खूब त्यौहार में लोग गाँव आते हैं तो बढ़िया रहता है माहौल, सब खुशी का माहौल रहता है। तो जितने दिन दिवाली हो अच्छी बात है, लक्ष्मी पूजन तो रोज होना चाहिए। लेकिन आज जो वीडियो है, इस वीडियो में कुछ करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट। कुछ मेरे पास अनार हैं और एक कुछ ये वाले बम हैं, ये देखिए, तो इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कुछ पत्थर के साथ करेंगे और कुछ थोड़ा सा जमीन में गड्ढा बना के देखेंगे कि इन बमों में कितनी पावर है और इन अनार में कितनी पावर है। तो आइए चलो देखते हैं इस टेस्ट को। दोस्तों जो पहला जो टेस्ट रहेगा, ये पहले छोटे वाले बम के साथ एक गड्ढा करके देखते हैं, फिर उसके साथ थोड़ा सा गहरा गड्ढा करेंगे इस बम के साथ, देखते हैं दोनों की पावर कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने तो ज़्यादा एक लकड़ी से ही करते हैं जुगाड़, एक छोटा सा गड्ढा बना लेते हैं पहले और देखते हैं कितनी पावर है इसमें। इस छोटे वाले बम से एक छोटे से गड्ढे से ट्राई करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इसको क्या करता हूँ ना, जो आगे से इसकी स्किन होती है इसको थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान तो इसने किया नहीं, लेकिन इसके पूरे चीसरे चीसरे उड़ गए हैं और गड्ढे को भी ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं, और ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं था। आप देखते हैं थोड़ा सा ये वाले बम को कि आखिर इसमें कितनी पावर है। बम ने तो कान के परखच्चे उड़ा दिए हैं और इसमें पावर भी काफ़ी अच्छी खासी थी। दिखाता हूँ आपको जमीन का क्या हाल किया इसने, ये देख रहे हैं पूरी जमीन कर दिया, थोड़ा सा और गहरा पूरी तोड़ दिया इसने, पहले काफ़ी दम था इस बम में। और इसके ना अभी कुछ देखिए वहाँ तक अभी इसके हिस्से गए हैं, इसको हम बुझा देते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा दम था और उस जो बम के हिस्से थे ना, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं कहाँ गए। कुछ ज़्यादा खास तो दोस्तों इसने किया नहीं है, देखिए इतना गहरा मैंने गड्ढा किया और बेचारा खुद ही फट गया, उसमें उसी में रह गया ये, इसका इससे कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। अब देखते हैं एक बार, जो हमारा ये बड़ा वाला बम है इसको रखते हैं इस गड्ढे में, देख लीजिए गड्ढे की गहराई, मतलब बम पूरा, ये देख लीजिए पूरा बम छुप गया इसमें। दोस्तों अब टाइम आ गया इस सुपर पावर बम को ट्राई करने का, कितनी पावर है इसमें देखिए दोस्तों। चलिए आइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसका इसका खुद का हाल बहुत ख़राब हो गया है और ये देखिए पूरे गड्ढे को यहाँ तक फाड़ दिया, इतनी पावर है इस बम में। तो आप सोचो जो रियल के बम होते होंगे उसमें कितनी पावर होती होगी। तो थोड़ा सा पटाखा तो जलते ही यार पहाड़ों में, और जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, ये जलाओ जलाओ, जानवरों को दिक्कत होती है दिक्कत होती है, खुद तो वो पता नहीं कितने जानवर मार के खा जाते हैं। तो त्यौहार है अपना, मस्त होकर मनाना है। हाँ बस ध्यान रखना कि आसपास में कहीं आग लगने का खतरा ना हो और सेफ्टी सबकी बनी रहे, थोड़ा सेफ्टी बना के चलिए। अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं, चलिए अनार। तो दोस्तों मैं क्या करने के वाला हूँ कि इस अनार को ऐसे सेट करूँगा, जैसे कि इसका जो देखिए इसको ऐसे सेट करेंगे, इससे कि इसका जो फोर्स होगा ना वो इस ईंट पे लगेगा, ईंट भी है किसी चीज़ को हमें नुकसान भी नहीं करना। तो देखते हैं कितनी पावर से इस ईंट को कितना डैमेज करता है, तो देखते हैं इसकी पावर को। आइए
देखिए पूरे ईंट का इसने क्या हाल कर दिया है, पूरा ईंट क्या हो गया देखिए आप। इसको ट्राई करने वाले हैं, मतलब हाथ भी लगाते गर्म हो गया तो इतनी सेफ्टी तो रखिए आप कम से कम कि ये अनार हैं, घनचक्कर हैं, जो भी जिसको भी जो चरखी वगैरह जो भी कहते हैं, तो सेफ्टी से मनाइए दिवाली को। देखें दोस्तों क्या हाल इस ईटे का कर दिया है, और खुद भी ऐसा हो देखिए मैं तो नमाज पर दो पूरा ईटा पूरा खत्म करता है बाहर से। लेकिन अगर इसकी जगह किसी का हाथ हो या फिर आप कह सकते हैं इसकी जगह कोई ऐसा मेटल वेटल हो उसको तो पिघला देगा पूरा ही, और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो दोस्तों दीपावली की एक बार आपको पुनः से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यही मेरा एक उद्देश्य था कि दीपावली अच्छा त्यौहार है, प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। अगर आप लोग पटाखे भी जला रहे हैं थोड़ा सा सेफ्टी से, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है।